गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम का फुल रिव्यू। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ काफी कुछ शेयर करने वाली हूँ। आपको हाइलुरोनिक एसिड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सी एज के बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली है क्या ये हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है। सो एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड है क्या। हाइलुरोनिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्पेशली वो कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन और हमारे आईज में प्रेजेंट होता है। इसका जो फंक्शन है वो है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, दैट्स वाई वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई वो हमारे स्किन के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि स्किन लुब्रिकेशन और मॉइस्चर में वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइलुरोनिक एसिड का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा डल लगने लगती है, कोई ग्लो नहीं रहता और काफी ज्यादा रिंकल की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। दैट्स वाई उस टाइम आप एक्सटर्नली अपने स्किन के रिजीम में हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे टू इंक्लूड हाइलुरोनिक एसिड इज थ्रू अ सीरम। और वाउ स्किन साइंस का ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम 97.80% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ऑल्सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। इस सीरम को आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई फील होती है, बहुत ही ज्यादा डल है। और ये ऑल स्किन टाइप्स कैन डेफिनेटली यूज दिस। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप तो डेफिनेटली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इफ योर स्किन इज ड्राई, इनफैक्ट ऑयली, फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज दिस सीरम क्योंकि इसके अंदर कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, तो ये सेफ है आपकी स्किन में इस्तेमाल करने के लिए। ऑयली स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, ऑयली ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट एक सीरम है जो कि इंस्टेंटली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। सो ये आपके फेस को बिल्कुल भी ऑयली या पैची नहीं बनाएगा। आप इसे दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बाद इसे अप्लाई करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, अगर बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, एंड नाइट टाइम में सोने से पहले आप इस सीरम को डेफिनेटली अपने क्लीन फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स चाहिए, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा ये नहीं चाहिए। उस 2-3 ड्रॉप्स इज टोटली इनफ फॉर योर फेस एंड नेक। और आपको जस्ट थोड़ा सा डैब करना है और प्रेस करना है, ज्यादा आप अपने फेस को ना स्ट्रेच मत कीजिए क्योंकि स्ट्रेचिंग से ज्यादा रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू जस्ट नीड टू डैब द सीरम ऑन योर फेस। डैबिंग प्रोसेस से ही ये इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। यू कैन सी कि मेरे फेस पर ये कितना इजिली अब्सॉर्ब हो गया और काफी अच्छा सा एक ग्लो भी इंस्टेंटली प्रोवाइड किया है। ऑल्सो वाउ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स आर प्राउडली मेड इन इंडिया। इनफैक्ट उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सारे ऑल ओवर इंडिया से ही सोर्स किए जाते हैं, जैसे कि वाटर इज यूज्ड फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स। कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल डिराइव्ड नहीं है, विच मीन्स कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर क्रुएल्टी फ्री एंड पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है। करेंटली 80% ऑफ देयर वर्कर्स आर वुमेन। ऑल्सो इसकी ऑथेंटिसिटी आप खुद पता कर सकते हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये QR कोड है विच इज दिस येलो कलर का स्टिकर, तो इसे आप किसी भी QR स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी खुद पता चलेगी। ऑल्सो ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल करने के बाद स्किन में कोई रिएक्शन होता है कि नहीं। डेफिनेटली मुझे तो कोई रिएक्शन या फिर कुछ इरिटेशन महसूस नहीं हुई है। मैंने इसे काफी दिनों से इस्तेमाल किया है, मॉर्निंग में भी, नाइट टाइम में भी, मैं बाहर भी गई हूँ इसे लगाकर, तो मुझे कोई इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली ये इंस्टेंटली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन में, विच इज अ गुड पॉइंट आई वुड से। सो अगर आप कुछ अच्छा सा बजट फ्रेंडली सीरम ढूंढ रहे हैं अपनी स्किन के लिए, हाइलुरोनिक एसिड को अपने स्किन के रिजीम में इंक्लूड करना चाहते हैं, देन Definitely you can go for this serum. Also, इस serum को अगर आप purchase करना चाहते हैं तो इसका जो purchasing link है वो मैंने description box पर provide किया है। मैंने इस serum को Wow Skin Science के app से जाकर purchase किया है। आप simply Google Play Store पर जाइए, वहां से Wow Skin Science app को install कीजिए। App पर आप लोग देखेंगे कि अलग अलग से categories है, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स, तो अलग से कैटेगरी से आप प्रोडक्ट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, एड देम टू कार्ट, तो प्रोसेस काफी ईजी एंड हैसल फ्री है। ऑल्सो आपको ऐप पर अलग से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम देयर ऐप।
सो ऐप डाउनलोडिंग लिंक भी ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। सो मेरा जो कंक्लूजन है इस सीरम के बारे में, आप डेफिनेटली इसे अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो ऐसा नहीं आपको फील होगा कि आपने कुछ भी अप्लाई किया है अपने स्किन में, इजिली अब्सॉर्ब हो जाते हैं कुछ ही सेकेंड्स में, आपको जस्ट डैप करना है और कुछ ही सेकेंड्स में ही अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी। पैकेजिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी बिकॉज यू नो इट्स वेरी स्टर्डी, और सीरम की जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफी ज्यादा लाइट वेट एंड बहुत ही ज्यादा नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीजी है। सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस सीरम, मेन वुमेन टीनेजर्स सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।